विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आज आपका टेस्ट है 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन यानी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, पहला क्वेश्चन लिखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी। तीन आंसर लिखने हैं आपने, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो सन लिखना सबसे पहले आपने। दूसरा मैंने पूछा किसके द्वारा की गई थी, तो उनका नाम लिखना जिन्होंने की। और तीसरी जगह मैंने पूछी कहां पर की गई थी, तो आपने जगह का नाम लिखना है कहां पर की गई थी। एक ही में तीन क्वेश्चन है, तीन आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आर्य समाज की स्थापना फिर दोबारे कब, किसके द्वारा, और कहां पर की गई थी। नंबर एक तभी दीजिएगा जब तीनों चीजें लिखें आप उसमें, अगर एक भी चीज मिस है तो जीरो घुमाइएगा उसमें, हार्ड मार्किंग कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है किसने की थी, दोनों का पता है मुझे किसने की थी, पर क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो होगी वो सन में होगी और जगह एक पर होगी कहां पर की थी, इसलिए वो लिखना जरूरी है, नाम पर नंबर मत दीजिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा मैंने, आर्य समाज की स्थापना कहां पर की गई थी। तीसरा क्वेश्चन मेरा, वेद समाज और देव समाज, वेद समाज और देव समाज की स्थापना, इसमें सन नहीं लिखना, इसमें लिखना किसके द्वारा की गई थी और कहां पर की गई थी। पहले वेद समाज का आंसर लिखना कि कहां पर की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। और क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद क्रमशः पूछा है मैंने, तो उसके बाद देव समाज की लिखना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को एक साथ पूछ रहा हूं मैं कि कहां पर की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। चौथा क्वेश्चन है मेरा, कहां पर और किसके द्वारा की गई थी। की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है मेरा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहां पर
और किसके द्वारा की गई थी? नहीं, साधारण ब्रह्म समाज हो गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? इतने क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य मेरा यह है कि आपको लिस्ट याद करनी है पूरी, खास खास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? किस महान संत से संबद्ध थी ये महिला, किनकी शिष्या थी? मतलब सिस्टर निवेदिता, अलीगढ़ आंदोलन कब, कहाँ, कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये लिख दो खाली, कहाँ की जरूरत नहीं है। देवबंद आंदोलन, दारुल उलूम देवबंद आंदोलन कब, कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब, कहाँ कब और मोहम्मडन, ऐसे लिख दीजिए खाली, इतना लिखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, कब कहाँ की जरूरत नहीं। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लिटरेरी सोसाइटी किसके द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी? किसके प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट
पारित करवाया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। रहनुमाए माजदायसन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसको भी लिखिए, कब, कहां और किसके द्वारा। रहनुमाई माजदायसन सभा की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सती प्रथा का अंत। सन बताना है आपने, किस एक्ट के द्वारा, मतलब सन बताना है आपने किस एक्ट के द्वारा किया गया। साथ में नियम बताना, उस एक्ट का कौन सा नियम सती प्रथा को प्रतिबंधित करता था। सन और नियम, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्थापना कब हुई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजों के समय में थी, कब हुई थी। कुका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। किसके प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ। शारदा अधिनियम पारित हुआ, ये कब पारित हुआ। शारदा अधिनियम किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के समय में पारित हुआ। और इसमें लड़के और लड़की की आयु बतानी है आपने, विवाह की आयु क्या थी, लड़के की क्या थी, लड़की की क्या थी। १९१६ में डीके करवे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, इस महिला विश्वविद्यालय का नाम बताना आपने क्या था। धोंधु केशव करवे ने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, किस नाम से की थी इन्होंने।
धोंधू केशव कर्वे ने 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस महिला विश्वविद्यालय का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दास प्रथा को 1843 में किसके समय में, किस गवर्नर जनरल वाइसरॉय के समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में मतलब कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया। 1843 में एक्ट तो 1833 का था। आपने मुझे गवर्नर जनरल का नाम बताना, मेन बात यह है। हो गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके समय में पारित हुआ? पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके समय में पारित हुआ, किसके प्रयासों से पारित हुआ? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कब का है और कहां से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कब का है, सन बताना है, कहां से मतलब किस जगह से प्राप्त हुआ है, और ये जो अभिलेख है ये किसका है, मतलब किसने खुदवाया था ये अभिलेख, राजा का नाम बताना आपने। किस आंदोलन में, किस मुस्लिम आंदोलन में मुस्लिमों के जिहाद का विरोध किया गया था? मुस्लिमों के जिहाद का विरोध किया गया था। मुस्लिमों के जिहाद का विरोध किया गया था। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल
मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? नदवतुल उलूम मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नदवतुल उलूम मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?1898 में बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? 1898 में बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तरुण बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? या यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तरुण रामकृष्ण मिशन का पहला और दूसरा मुख्यालय खोला गया क्रमशः कहां कहां पर? रामकृष्ण मिशन का पहला और दूसरा मुख्यालय कहां कहां पर खोले गए? बैक टू वेदास, पुनः वेदों की ओर चलो, ये नारा किसने दिया? तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किन्हें कहा जाता है? तूफानी भ्रमण करने वाले साधु किन्हें कहा जाता है?
द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी? द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, किसकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है? किसकी मृत्यु पर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, मोक्ष मूल मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है? अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक, अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक, दैनिक बोलते हैं डेली जो न्यूज़पेपर आता है, पत्रिका, इंडियन मिरर का संपादन करने वाले व्यक्ति थे? किसने अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक इंडियन मिरर का संपादन करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपने? राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा और एकेश्वर मूर्ति पूजा का विरोध करके एकेश्वरवाद का समर्थन किया? राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध करके एकेश्वरवाद का समर्थन किया, एक ही ईश्वर का समर्थन किया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर राजा राम मोहन राय की जन्मस्थली थी, जगह का नाम बताना आपने? और मृत्यु स्थली दोनों को एक साथ लिखना। जन्म स्थल और मृत्यु स्थल का नाम लिखना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ब्रह्म विद्या समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म विद्या समाज की स्थापना किसने की? थियोसोफिस्टों ने किन प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था? थियोसोफिस्टों ने किन प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया? किन प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? ठीक है भाई, आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यह था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब, किसके द्वारा और कहां पर की गई थी। आंसर 1828, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता। पूरा आंसर लिखा है तो ही एक नंबर देना, अगर एक भी चीज मिस है 0। अपने आप नहीं करनी कॉपी चेक, किसी और को देनी है अपनी कॉपी चेक करने के लिए। क्या पता आप लिख लो 1828 लिख लो तो फिर उसमें एक नंबर मिल जाएगा दूसरे से। अगर ठीक है भाई, मैं परीक्षा कराने वाली क्या हूँ, सस्ता हूँ तो मैं तो हर एक वो करूँगा ना। आप ईमानदार हो सकते हो, सब थोड़े होते हैं। किसी और को दीजिएगा कॉपी चेक करने के लिए। 1828, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता। अपनी कॉपी उन्हें दो, आप अपने आप करोगे। हाँ तो कोई नहीं, इन्हें दे दो। 1828, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आर्य समाज की स्थापना कब, किसने और कहां पर की। 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंबई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 3 दिन क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस देने गए हम लोग, 20 साल पहले की बात है। वहां पे खाली इतना पूछा हुआ था कि दयानंद सरस्वती ने क्या बोलते हैं आर्य समाज की स्थापना कहां पर की, याद ही नहीं आया। क्या नहीं आया भाई? अगर राजा राम मोहन राय पूछते एक बार के लिए कलकत्ता कर देते हम, बंगाली थे, राय थे, कलकत्ता में की होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता था। पर दयानंद सरस्वती का पता ही नहीं चला कहां पे की, तो बंबई में की। कहां पे की? 1875 में बंबई में। अगला क्वेश्चन तीसरा मैंने पूछा वेद समाज और देव समाज। तो वेद समाज के हैं मद्रास के श्री धरल नायडू, और देव समाज के हैं लाहौर शिव नारायण अग्निहोत्री। लाहौर शिव नारायण अग्निहोत्री, AGNO3, अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है सेवा समिति की स्थापना 1914 में अलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरुड़े की। 1814 में अलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरुड़े की। बाद में श्रीराम वाजपेयी ने सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन बनाया 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अगला क्वेश्चन बताते रहो भाई, क्वेश्चन क्या है? सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर बहराम जी मालाबारी, 1885 बंबई। 1885 बंबई, बहराम जी मालाबारी।
अब गड़बड़ हो जाता है ना सेवा समिति, इसीलिए सेवा समिति के तुरंत बाद मैंने क्या पूछा, तुरंत बाद क्या पूछा मैंने, अरे भाई सेवा सदन पूछा, सेवा समिति के बाद सेवा सदन इसीलिए पूछा, सेवा सेवा में गड़बड़ हो जाता है, समिति के अलग है सदन के अलग है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज 1866 कलकत्ता केशव चंद्र सेन, 1866 कलकत्ता केशव चंद्र सेन। अगला साधन ब्रह्म समाज 1878 कलकत्ता आनंद मोहन बोस, 1878 कलकत्ता आनंद मोहन बोस। अगला अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1815 हरिद्वार, पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। और यूपीपीसीएस वालों ने पूछा एक बार हिंदू महासभा की स्थापना क्यों की गई, आंसर मुस्लिम लीग के प्रतिक्रिया स्वरूप, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के उसमें हिंदुओं ने क्या किया, हिंदू महासभा गठन किया, कहां पर, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या मार्गरेट अल्वा, सॉरी मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। अगला अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खां, 1875 सर सैयद अहमद खां। अगला 1866 देवबंद सहारनपुर, मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही हुसैन अहमद, तीन नाम पढ़ने। अगला यहीं से पढ़ के गए थे तालिबानी, तालिबान का जो जन्म हुआ है वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ, तालिबान का मतलब था स्टूडेंट, उसका जन्म सहारनपुर में हुआ देवबंद। अगला माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। माउंटन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ कलकत्ता में स्थापित किया था। अगला एज ऑफ कंसेंट एक्ट बी एम मालाबारी के प्रयासों से आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अरे यार अभी पहले चेक कर लो बाद में किताब पढ़ना, बोलो बोलो बोलो। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगाया गया था 1891 में, पारसी थे ये, पारसी, पारसी कौन होते हैं, रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, टाटा बिरला। अगला रेनुवाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की थी 1851 में बंबई में, दादा भाई नौरोजी और उनके सहयोगी थे नौरोजी फाड़दौन जी, जे बी वाचा और एस एच बंगाली। 1851 बंबई, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फाड़दौन जी, जे बी वाचा और एस एच बंगाली, सबको लिखना जरूरी है। अगला सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, नियम 17, नियम 17 लिखना जरूरी है। अगला 1920, अगला कूका आंदोलन, भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल। अगला हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन के समय में आया, 1829 में आया। काल लड़के की शादी की उम्र 18, लड़की की 14, लड़के की शादी की उम्र 18, लड़की की 14। अगला श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, ये स्थापित किया था धोंदू केशव कर्वे ने, कहां पर किया था धोंदू केशव, बंबई में 1916 में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा को निषिद्ध किया गया 1843 में, लॉर्ड एलनबरो। अगला लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में आया, कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अगला सती प्रथा का पहला अभिलेख है प्रमाण 510 एडी का है, एरन अभिलेख बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश से मिला है, सागर डिस्ट्रिक्ट से, एरन एक जगह पड़ती है, गुप्त शासक भानुगुप्त का है, गुप्त शासक भानुगुप्त का। अगला 24वां क्वेश्चन अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन में मुसलमानों के जिहाद का विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, रिबन काटा था किसका, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसी को बोलते हैं, बाद में एएमयू बनाए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लॉर्ड लिटन ने काटा रिबन, शिलान्यास जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नदवतल मदरसा, उलूम मदरसा किसने, सिबली नोमानी, सिबली नोमानी बड़ा नाम है भाई मुस्लिमों में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बीएचयू, आगे चलकर बीएचयू बनता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। मदन मोहन मालवीय ने क्या मांगा, चंदा मांगा, लखनऊ के नवाब के पास गए, लखनऊ के नवाब ने जूती दी अपनी, उन्होंने उसकी नीलामी कर दी, इसीलिए भिखारियों का राजा कहा जाता महामना मदन मोहन मालवीय को, सारा पैसा उन्होंने किस पे लगाया, बीएचयू, उतना चंदे से कलेक्ट नहीं हुआ जितना नवाब की जूती बिकी जितने। अगला क्वेश्चन हेनरी विवियन डेरोजियो, 19-20 साल का लड़का कमाल कर गया बंगालियों के दिमाग में, क्या बंगालियों के जो इंटेलेक्चुअल पार्ट को लेकर आया वो कौन लेके आया, हेनरी विवियन डेरोजियो, घड़ी साज के रूप में आया था कभी, क्या था क्वेश्चन, तरुण बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट जिसको बोलते हैं, इसको फादर मानते हैं वहां के लोग बौद्धिकता का। अगला पहला उन्होंने जो ये रामकृष्ण मिशन है इन्होंने वेलूर कलकत्ता में स्थापित किया पहला मुख्यालय, और दूसरा मायावती अल्मोड़ा, मायावती, अब देखो मायावती आश्रम अब अल्मोड़ा में पड़ता है क्या, अब कहाँ पड़ेगा वो, कहाँ है मायावती आश्रम उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए बाद में नए डिस्ट्रिक्ट बने, देखो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे पक्का। चलो अगला, आर्य समाज ने कहा बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो लौटो, बैक टू वेदास, किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने, बचपन का नाम मूल शंकर। अगला तूफानी विवेकानंद, एट द एज ऑफ 39 इस देह को त्याग दिया इन्होंने, इतना काम किया, इतनी यात्राएं की, इतने भाषण दिए, इतनी किताबें लिखी, क्या ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उनको नहीं थी, बाद में बीपी से लेके जो भी रहा होगा उस जमाने में बीमारियां, ब्लड प्रेशर, क्योंकि इतना बर्डन लिया उन्होंने। दूसरा गजब की मेमोरी, किताब को एक बार पढ़ लिया याद हो गई, तो ऐसे लोग मैंने कहा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीते हैं, ये क्या होता है गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीज़ें, तो इसलिए अगर आप भूल रहे हो तो ठीक है खुश रहा करो, भूलना वरदान है, लंबे जियोगे, हाँ पर अभी एक साल ढंग से पढ़ो याद करो तभी निकलेगा पेपर, इसी चक्कर में मत रहो कि लंबा जीना है, याद करना पड़ेगा, रिवाइज करके अगर आपको याद हो रहा है 10-20 बार रिवाइज करके याद हो रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मल इंसान हो, गॉड गिफ्टेड नहीं है, गॉड गिफ्टेड होंगे ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, कहानी खत्म है ना। तो कितनी यात्राएं की इन्होंने, उस जमाने की यात्राएं, अब तो ठीक है अपने अब तो अपने चार्टर से चलते हैं लोग, उस जमाने में पानी के जहाजों से चल रहे हैं, कई कई महीने लग रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे, वहाँ पहले ही भीड़ खड़ी है, उस भीड़ को संभालना, उनके साथ बातचीत करना, न उस समय माइक ढंग के, न उस समय क्या, अरे मतलब एसी वेसी कुछ नहीं था, पंखे वंखे रहे होंगे तो अलग बात है, बट उस जमाने में इतना वो करना, आपकी रिस्पेक्ट जो है विश्व में सबसे पहले करवाने वाले, पहले तो थे ही हम विश्वगुरु, बीच में हम हो गए थे क्या, बावरे हो गए थे हम, क्योंकि आक्रांता आते रहे आक्रमण करते रहे तो क्या होना था, फिर बिल्कुल मूर्ख हो गए थे, फिर पता चला यार हम तो बड़े विद्वान हैं, किसने एहसास कराया दुनिया को, विवेकानंद ने कराया, नरेंद्र नाथ दत्त ने कराया, किसने कराया, हाँ तो भारत के एक साधु ने बता दिया
कि क्या है भारत, विश्वगुरु क्यों बोलते हैं इसको। अगला, बाकी तो नई जनरेशन हंसती है इस पे, सोने की चिड़िया थी कि कहाँ गई, इस तरह से मजाक करते हैं। विश्वगुरु था तो क्या हो गया, ये सेकुलरिज्म का जो करते हैं ना वो मजाक उड़ाते हैं। और मजाक दरअसल आप नहीं उड़ाते हैं, आपके ब्रेन को इसी तरह से बनाया गया है, इसलिए उड़ाते हो आप लोग मजाक। चलो, विवेकानंद हो गया, राजा राम मोहन राय भाई अगला आंसर है 32 का, और राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन क्या था? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ईसा मसीह के वचन, प्रवचन जो है वो किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी इन्हें। अगला, केशव चंद्र सेन, 33 का आंसर। क्या था क्वेश्चन? मैक्स मूलर ने कहा इनके मरने पर, केशव चंद्र सेन के मरने पर, कि भारत ने अपना बहुत सबसे इंटेलिजेंट आदमी खो दिया है, बेटा खो दिया है, ऐसे ही कुछ था, अपना श्रेष्ठ पुत्र खो दिया। गजब के व्यक्ति थे भाई केशव चंद्र सेन भाई। एक गलती कर दी उन्होंने, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, अपनी बेटी को रिश्ता आया कूच बिहार के एक बूढ़े राजा का, बूढ़ा मतलब काफी बड़ा था उम्र में, उन्होंने कहा राजा का रिश्ता आ रहा कर देता हूँ। तो बड़ी भर्सना हुई इनकी कि तुम क्या कर रहे हो, बाल विवाह का विरोध कर रहे हो और अपनी लड़की को बाल विवाह करवा रहे हो, ऐसे कैसे। तब बाहर हुए फिर वो, फिर अपना चलाया उन्होंने। लेकिन मैंने कहा नहीं कि लोग क्या नहीं ढूंढते, गुण नहीं ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? दोष। तो भाई पहले गुणों को देखो। अगला भी केशव चंद्र सेन है आंसर 34वें का। क्या था क्वेश्चन? इंडियन मिरर, जो पहला अंग्रेजी का पहला दैनिक है, भारतीय दैनिक, अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक पत्रिका जो है इंडियन मिरर, इसके संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेनी थे। अगला, तुहफात उल मुहब्बदीन, दैवीय एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तुहफात मतलब तोहफा, गिफ्ट। उल मुहब्बदीन, मुहब्बदीन बोलते हैं एकेश्वरवादी। क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट, जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। अगला, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? सर विलियम जोन्स हैं। अगला, राधानगर ब्रिस्टल, राधानगर में पैदा हुए राजा राम मोहन राय, ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। राधानगर बंगाल में पड़ता है, हुगली डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अभी भी वही है, कुछ था ऐसा, डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ मेरे ख्याल से, पहले नाम वर्धमान था या हुगली था, कुछ ऐसा हुआ था शायद, चलो देख लेना एक बार। अगला मैंने पूछा ब्रह्म विद्या समाज, इसी को थियोसोफिकल सोसाइटी बोलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी ब्रह्म विद्या समाज को ही बोलते हैं, मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। इन्होंने, थियोसोफिस्टों ने हिंदू बौद्ध और जरथुस्ट धर्म के उसको बचाने का प्रयास किया। इन्होंने प्राचीन, इन धर्मों के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, दुनिया के सामने लेके आया, इन्होंने कहा यही सर्वश्रेष्ठ है। अगला, वेद समाज के श्रीधरालु नायडू को कहा जाता है दक्षिण भारत का क्या? ब्रह्म समाज। के श्रीधरालु नायडू का वेद समाज जो है उसी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। अब साउथ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? वेद समाज को दी जाती है, और वेद समाज की स्थापना के श्रीधरालु नायडू ने की थी।